अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये ट्यूटोरियल नंबर 7 है और इसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह हम गिवन प्लांट के लिए या गिवन सिस्टम के लिए पीआईडी कंट्रोलर डिज़ाइन कर सकते हैं और इसको मैटलैब या सिमुलिंक में सिमुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद किस तरह हम उसी पीआईडी कंट्रोलर को एफपीजीए बोर्ड पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फिर फाइनली हार्डवेयर इन द लूप इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की ट्यूटोरियल का ऑब्जेक्टिव यह है कि पीआईडी कंट्रोलर को डिज़ाइन करना और फिर उसको एफपीजीए बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करना। ओके जी, तो सबसे पहले हम पीआईडी कंट्रोलर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो पीआईडी कंट्रोलर की जो कंटिन्यूस डोमेन में टाइम डोमेन में इक्वेशन बनती है वो ये है। यूटी ये कंट्रोल सिग्नल होता है पीआईडी कंट्रोलर की आउटपुट, केपी इनटू ईटी, ईटी यहाँ पर एरर सिग्नल होता है, फीडबैक एरर, और एरर का फिर इंटीग्रेटर होता है और उसकी गेन होती है केआई। इसी तरह फिर एरर सिग्नल का डेरिवेटिव आता है और फिर उसका गेन आता है केडी। अगर आप इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लें और इससे ट्रांसफ़र फंक्शन लिखें तो पीआईडी कंट्रोलर का ये ट्रांसफ़र फंक्शन बन जाता है, केपी प्लस के आई डिवाइड बी एस प्लस के डी इंटू एस। और अगर आप इस इक्वेशन को डिस्क्रीट डोमेन में कन्वर्ट करें यूजिंग बैक यूलर मेथड, तो हमारे पास डिस्क्रीट डोमेन में ये पीआईडी कंट्रोलर की इक्वेशन आ जाती है। इसमें के पी के आई के डी ये गेन पैरामीटर्स हैं और टी एस एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आ रहा है, ये सैम्पलिंग पीरियड है। जब हम इस कॉन्टीन्यूस इक्वेशन को डिस्क्रीट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम कितना सैम्पलिंग पीरियड के साथ उसको कर रहे हैं कन्वर्ट, वो सैम्पलिंग पीरियड टी एस है। ओके, और जब इस ट्यूटोरियल के अंदर जब इस इक्वेशन को हमने इम्प्लीमेंट किया है तो उसमें के पी के आई के डी और टी एस की ये वाली वैल्यूज़ यूज़ की हैं। ये वैल्यूज़ कैसी आई हैं ये मैं भी थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो अब इस ट्यूटोरियल के अंदर हमारा जो प्लांट का मॉडल है या प्लांट का ट्रांसफ़र फंक्शन है वो डीसी मोटर है, और डीसी मोटर का जेनेरिक फॉर्म में जो ट्रांसफ़र फंक्शन बनता है वो ये है। इसमें ये थीटा एम इसकी पोजीशन को डिनोट कर रहा है और ई ए आर्मेचर वोल्टेज को डिनोट कर रहा है। तो ये बेसिकली डीसी मोटर को जो हम आर्मेचर पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं डीसी, ये वो है इनपुट पर, और आउटपुट पर उसकी थीटा पोजिशन को डिनोट कर रहा है। बाकी ये के टी टॉर्क कांस्टेंट है, के बी बैक ईएमएफ कांस्टेंट, आर ए उसकी आर्मेचर रेजिस्टेंस है, जे एम मोटर का इनर्शिया है और डी एम डैम्पिंग कोएफिशिएंट है। तो ये सारे मोटर के जो फिज़िकल पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर ये जो जेनेरिक ट्रांसफ़र फंक्शन है ये लिखा हुआ है। अब अगर हम नॉर्मन एस नाइस की बुक देखें, सिक्स एडिशन, उसमें इक्वेशन नंबर 2.171 चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन नंबर 171 में कुछ वैल्यूज़ गिवन है के टी की, आर ए, जे एम वगैरह की, और ये फाइनली इस जेनेरिक एक्सप्रेशन को अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करके हम सॉल्व करें तो हमारे पास किसी पर्टिकुलर डीसी मोटर का ये ट्रांसफ़र फंक्शन बन जाता है इन न्यूमेरिकल फॉर्म। और ये मैं आपको शो भी कर देता हूँ क्योंकि जब हमने सिमुलेशन करनी है तो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए, तब हम उसको सिमुलेट कर सकते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखें, ये वैल्यूज़ वगैरह पुट करने के बाद हमारे पास डीसी मोटर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन आया है वो ये है, 0.417 डिवाइड बाई एस एस प्लस 1.667। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं ये ट्रांसफ़र फंक्शन ले रहा हूँ और अज्यूम कर रहा हूँ कि डीसी मोटर का ये ट्रांसफ़र फंक्शन है। वो कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, हो सकता है, प्रोसीजर हमारा डिज़ाइन का सेम रहेगा, ये हार्डवेयर इन द लूप इम्प्लीमेंटेशन करने का जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। ओके जी, अब आज के ट्यूटोरियल में जो हम हार्डवेयर इन द लूप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसमें जो क्लोज लूप ब्लॉक डायग्राम होगी वो किस तरह की बनेगी, हार्डवेयर इन द लूप क्लोज लूप ब्लॉक डायग्राम। तो हमारा जो डीसी मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हम मैटलैब या सिमुलिंक के अंदर उसको मॉडल करेंगे, उसको लिखेंगे,
और हमारा जो PID कंट्रोलर होगा उसको हम हार्डवेयर पे या FPGA बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो होगा ये कि हमारा जो PID कंट्रोलर है वो एक्चुअल FPGA बोर्ड पर रन हो रहा होगा और PID कंट्रोलर की जो इनपुट होगी वो सिमुलिंक से आ रही होगी, वो फीडबैक एरर होगा और FPGA अपने आउटपुट पर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, उसको दोबारा हम सिमुलिंक में ले जाएंगे और प्लांट को अप्लाई कर देंगे और दोबारा हमारा फीडबैक जो आएगा वो FPGA पे जाएगा, FPGA से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, वो दोबारा सिमुलिंक में जाएगा और उसके ज़रिए हम प्लांट पे या DC मोटर को अप्लाई करेंगे और इसी तरह ही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लांट का ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल है वो सिमुलिंक के अंदर है, रन हो रहा होगा और जो हमारा कंट्रोलर है PID कंट्रोलर वो एक्चुअल FPGA बोर्ड पर रन हो रहा होगा इन रियल टाइम। ओके जी, तो ये हमारा क्लोज लूप सिमुलिंक डायग्राम बनेगी, तो इसको हम अभी देखते हैं ये कैसे आई। तो सबसे पहले हम अपना सिमुलिंक मॉडल ओपन करते हैं। हम ब्लैंक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो सारा डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है वो हम स्टार्ट से देख सकें। ओके, तो हम लाइब्रेरी ब्राउज़र में जाएंगे। तो हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल गिवन है, तो हम ये ट्रांसफ़र फंक्शन का ब्लॉक ये यूज़ कर लेते हैं। ओके, अभी इस ट्रांसफ़र फंक्शन में हमने अपना जो प्लांट मॉडल है उसके न्यूमिरेटर के कॉफिशेंट्स एंटर करने हैं और उसके डिनोमिनेटर के कॉफिशेंट एंटर करने हैं। तो आप ये कॉफिशेंट मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इधर एक एम फाइल के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ। तो अज्यूम करें कि मैं अपना ये ट्रांसफ़र फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, एस वेरिएबल डिफाइन किया और इसमें जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है वो 0. जो मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन है 0.417 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 1.667 ये है। और अगर इस ट्रांसफ़र फंक्शन के मैं कॉफिशेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ न्यूमिरेटर के और डिनोमिनेटर के, तो उसकी कमांड है TF डाटा जी और यहाँ पे आपने भी लिख देना है वेक्टर फॉर्म में हमें कोएफिशिएंट्स चाहिए। तो ये देखें, ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया, ये इसके न्यूमिरेटर के कोएफिशिएंट्स हैं और ये इसके डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट्स हैं। तो मैं अब बजाय मैन्युअली टाइप करूँ मैं ये कोएफिशिएंट्स के वेरिएबल यहाँ पे पास कर देता हूँ, यहाँ पे एन लिख देता हूँ और यहाँ पे डी लिख देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली मैटलैब के वर्क स्पेस से ये वेरिएबल के वैल्यूज उठा लेगा। तो मैं इसको मॉडल को सेव कर देता हूँ ट्यूटोरियल 7 के साथ। अभी हमारे पास DC मोटर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है ये आ गया। अब इस ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए हमने PID कंट्रोलर डिज़ाइन करना है। उसको डिज़ाइन करने के मल्टीपल वेज हैं। आप रूट लोकस मेथड थ्योरेटिकली यूज़ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड्स हैं उनको यूज़ करके आप PID कंट्रोलर वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर मैटलैब का PID टूल वो यूज़ कर रहे हैं।
ओके यहाँ पे अब हम इसके लिए मैटलैब का पीआईडी ट्यूनर यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल पीआईडी कंट्रोल डिज़ाइन करने के लिए। इस टाइम पे जो हमारे पास ये ग्राफ आ रहा है ये इन पैरामीटर्स के वैल्यूज़ पे आ रहा है, केपी 14 है, केआई 5.98 और केडी 7.33। तो अगर हम यहाँ से अपना रिस्पांस चेंज करना चाहें हम कर सकते हैं, रिस्पांस को फास्ट कर सकते हैं, उसको एग्रेसिव कर सकते हैं, उसको रोबस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लगे कि आपका जो रिस्पांस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ पर आप ये पैरामीटर्स की ट्यूनिंग उसको स्टॉप कर सकते हैं। अब अज्यूम करें कि मुझे ये जो रिस्पांस आ रहा है ये मुझे लग रहा है कि ये सेटिस्फैक्ट्री है, मुझे ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे आप इसके पैरामीटर्स भी देख सकते हैं कि सेटलिंग टाइम अभी 1.65 सेकेंड है, ओवरशूट 11.3% है, पीक टाइम पीक जो वैल्यू है 1.11 है और राइज टाइम इतना है। अज्यूम करेंगे ये जो सारी स्पेसिफिकेशंस हैं ये मुझे एक्सेप्टेबल हैं। तो अब मैं इस कंट्रोलर को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ये जो कंट्रोलर डिज़ाइन किया है मैटलैब पीआईडी ट्यूनर ने, मुझे ये कंट्रोलर ये मेरी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको फर्दर इसका रिस्पांस इम्प्रूव करना है तो आप यहाँ पे इन एरो इन टूल बार्स के ज़रिए कर सकते हैं। अब अज्यूम करें कि मैंने जो कंट्रोलर डिज़ाइन किया है उसका ये ट्रांसफ़र फंक्शन है ये वाला, इसमें केपी की वैल्यू आ रही है, नहीं कॉपी कर लेता हूँ, तीनों वैल्यूज यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आप कह सकते हैं कि केपी केआई और केडी ये गेन पैरामीटर्स आ गए हैं जो पीआईडी कंट्रोलर के जो मुझे सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इनका मैं क्लोज लूप रिस्पांस चेक करना चाहूँ तो आपको पता है कि जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला होता है वो सी जी इंटू डिवाइड बाई 1+CG होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लें और इसका अगर मैं स्टेप रिस्पांस प्लॉट कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पीआईडी कंट्रोलर जो हमने डिज़ाइन किया है उसके साथ ये क्लोज लूप स्टेप रिस्पांस आ रहा है। आप इसके यहाँ पे सेटलिंग टाइम फाइंड कर सकते हैं 1.65 सेकंड और इस तरह पीक टाइम स्टेडी स्टेट एरर वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 11.3% और यहाँ पे स्टेडी स्टेट फाइनल वैल्यू 1 है तो इट मीन कि स्टेडी स्टेट एरर 0 है। ओके जी, तो अब हमने कॉन्टीन्यूस डोमेन में इस पीआईडी कंट्रोलर को डिज़ाइन कर लिया, उसको क्लोज लूप में वेरीफाई कर लिया कि वो सेटलिंग टाइम भी बहुत कम वैल्यू दे रहा है और स्टेडी स्टेट एरर भी उसमें 0 है और परसेंटेज ओवरशूट भी राउंड अबाउट 11% है। अब अज्यूमिंग दैट कि ये सारी स्पेसिफिकेशंस हमें एक्सेप्टेबल हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, अब हमारा ये पीआईडी कंट्रोलर कंटीन्यूअस डोमेन में डिज़ाइन हो गया। अब जब हमने इस पीआईडी कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट करना है एफपीजीए बोर्ड पर तो हमने इसको डिस्क्रीट डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो डिस्क्रीट डोमेन में हमारे पास जो पीआईडी कंट्रोलर की इक्वेशन है वो ये लिखी हुई है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास केपी की वैल्यू भी आ गई है, केआई की वैल्यू भी आ गई है, केडी की वैल्यू भी आ गई है, जस्ट टीएस की वैल्यू रह गई है। तो मैं टीएस अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि वो वैल्यू कैसे हमने यूज़ की। तो अगर हम इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर लें तो इट मीन्स हमने पीआईडी कंट्रोलर को डिस्क्रीट डोमेन में इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो पीआईडी कंट्रोलर को डिस्क्रीट डोमेन में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अब स्टेप ब्लॉक लगा लेता हूँ क्लोज लूप मॉडल अपना कंप्लीट करने के लिए, सम ब्लॉक और यहाँ पर आप अगर सिमुलेशन में चेक करना चाहें कि आपका कॉन्टीन्यूस पीआईडी कंट्रोलर कैसे फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहा है तो आप ये कॉन्टीन्यूस पीआईडी कंट्रोलर का ब्लॉग लगा सकते हैं यहाँ पे।
ओके, तो यहाँ पर आप इस पीआईडी कंट्रोलर को, यहाँ पे अगर आप सिमोलिंक में भी इसको ट्यून करना चाहें तो यहाँ पे भी आप इसको अगर डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आप इसको ट्यून कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे निकाली हैं केपी केआई और केडी, ये वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप केपी की वैल्यू एंटर कर दें, यहाँ पे केआई की और यहाँ पे केडी की। अगर आप नए सिरे से ट्यून करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको ट्यून भी कर सकते हैं। तो ये मैटलैब के अंदर ट्यूनिंग हो जाएगी। पहले जो हमने ट्यूनिंग की है वो ऐप मैटलैब की पीआईडी टूल ऐप को यूज़ करते हुए की है। अब हम इसकी ट्यूनिंग कर रहे हैं सिमुलिंक के अंदर। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पहले वाले को। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप मैटलैब में भी पीआईडी ऐप के ज़रिए भी ट्यूनिंग परफॉर्म कर सकते हैं और सिमुलिंक में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अज्यूम करेंगे ये तो ये हमारा ट्यून्ड रिस्पांस आ गया। यहाँ पे आप अपने मॉडल के पैरामीटर्स को अपडेट कर दें। तो यहाँ पे भी इसी तरह की गेन वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसको हम ओके कर देते हैं। और अगर आप इसको सिमुलेट करना चाहें तो ये इसका सिमुलेशन रिज़ल्ट है। अगर मैं यहाँ पे अपना सिग्नल चेंज करना चाहूँ, इनपुट सिग्नल, तो अज्यूम करें कि मैं यहाँ पे पल्स जनरेटर यूज़ कर लेता हूँ। और इस पल्स जनरेटर को यहाँ पे इसको पे कनेक्ट करने के लिए मैं फ्रॉम का ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ। ये फॉर्म का ब्लॉक और ये इसका गो टू का ब्लॉक। यहाँ पे सिग्नल कैप्चर किया और अज्यूम करें कि यहाँ पे ओके। अब ये दोनों मेरा जो रेफरेंस सिग्नल है और स्कोप दोनों एक पे प्लॉट हो जाएंगे। अज्यूम करें कि मैं अब अपना रेफरेंस जो एम्पलीट्यूड है वो 100 कर देता हूँ, पीरियड में 20 सेकंड कर देता हूँ और इसकी पल्स विड 50 कर देता हूँ। मैंने अब अपना रेफरेंस सिग्नल चेंज किया। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा डीसी मोटर है क्या ये इस रेफरेंस सिग्नल को ट्रैक कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो अपने रेफरेंस सिग्नल को ट्रैक करे मिनिमम टाइम के अंदर और जीरो स्टेडी स्टेट के अंदर आइडियली। तो यहाँ पे अगर आप सिमुलेशन का टाइम, चले मैं 50 सेकंड कर देता हूँ। तो ये जो पल्स सिग्नल है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा रेफरेंस पोजीशन है, डीसी मोटर की हमारी डिजायर्ड पोजीशन है। और यहाँ पर जो आ रही है ये आउटपुट की एक्चुअल पोजीशन है डीसी मोटर की। अब अगर हम इसको रन करें आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेफरेंस पोजीशन है ये ब्लू लाइन के अंदर आ रही है और जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है वो येलो लाइन के अंदर आ रही है। तो हमारी रेफरेंस जो एक्चुअल पोजीशन है डीसी मोटर की वो रेफरेंस पोजीशन को बहुत एक्यूरेटली ट्रैक कर रही है विद ज़ीरो स्टेडी स्टेट एरर। इनिशियली जब यहाँ पर जंप आता है इनपुट के ऊपर रेफरेंस पोजीशन के ऊपर, पहले ज़ीरो था, ज़ीरो से जब अचानक 100 का जंप आया
उस टाइम पे थोड़ा सा परसेंटेज ओवर शूट आता है, वो भी लेस देन 10% या 11% है, और उसके बाद हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो PID कंट्रोलर हमने डिज़ाइन किया है वो स्केयर वेव रेफरेंस सिग्नल को ट्रैक कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उसकी परफॉर्मेंस वो सेटिस्फैक्ट्री है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको बोल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके जी, तो अब हमने ये वेरीफाई कर लिया कि कॉन्टिनेंट डोमेन के अंदर जो हमने PID कंट्रोलर डिज़ाइन किया यूजिंग मैटलैब या सिमुलिंक, वो हमारी हमें सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस, क्लोज लूप रिस्पांस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आप इस इन गेन वैल्यूज पे भी ट्राई कर सकते हैं, रिस्पांस वो भी मोर और लेस सेम होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, और या इन गेन वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं अपना इस ट्रांसफ़र फंक्शन का सब सिस्टम बना रहा हूँ, और इसको मैं लिख रहा हूँ जी, इसकी इनपुट को मैं EA कह रहा हूँ और इसकी आउटपुट को भी एक्चुअल पोजीशन कह रहा हूँ। और ये मेरे पास DC मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन है, DC मोटर, या आप इसको प्लांट कह सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ओके, अभी जो हमने PID कंट्रोलर डिज़ाइन किया है ये S डोमेन में, हमने इसको डिस्क्रीट डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो मैं अभी इस PID कंट्रोलर को भी सब सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने लगा हूँ। अब जो इसकी इनपुट होगी वो एरर सिग्नल होगा, मैं उसको EK लिख देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली जो एरर आ रहा है ये एरर है, फीडबैक एरर, और इसकी जो आउटपुट होगी उसको मैं यू कह देता हूँ। अब यहाँ पे S डोमेन वाला PID कंट्रोलर है, तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिमुलेशन की हद तक था, अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं। इसकी जगह हम ये डिफरेंस इक्वेशन इंप्लीमेंट करने लगे, ये वाली डिफरेंस इक्वेशन, क्योंकि ये डिस्क्रीट डिफरेंस इक्वेशन, ये डिफरेंस इक्वेशन डिस्क्रीट नेचर की है, तो इसको हम FPGA बोर्ड पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें अगर आप देखें ये एरर इनपुट आ रहा है, ये एरर EK एरर, फिर ये डिलेड एरर बाय 1 सैम्पल स्टेप, फिर ये डिके डिलेड एरर बाय 2 सैम्पल्स। तो अभी आप इसको समझेंगे एक डिफरेंस इक्वेशन है, और हमने इस डिफरेंस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि KP KI KD वगैरह ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, TS भी कांस्टेंट है, तो ये हमारा कांस्टेंट फैक्टर है। तो अब मैं ये पूरी डिफरेंस इक्वेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो ब्लॉक्स यूज़ करने हैं वो HDL कोडर लाइब्रेरी के यूज़ करने हैं, ताकि उनसे हम कोड जनरेट कर सकें। मैं वो ब्लॉक्स जो कि HDL सपोर्टेड नहीं है उनको हाइड कर लेता हूँ। तो अगर आप HDL कोडर लाइब्रेरी में जाएं तो यहाँ पे डिले का ब्लॉक यूज़ होगा, और गेन ब्लॉक यूज़ होगा, और हमारे पास जो ये ऐड का ब्लॉक है ये यूज़ होगा। अब नोट करें ये सारे ब्लॉक्स मैंने HDL लाइब्रेरी से, HDL कोडर लाइब्रेरी से उठाए हैं, क्योंकि ये सारे इनसे हम कोड जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप अभी इस इक्वेशन में देखें तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है इसमें फोर टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो इट मींस कि मुझे एक एडर चाहिए जो कि फोर टर्म्स को ऐड कर सके। तो मैं इसके अंदर दो प्लस साइन और लिख देता हूँ, और ये मेरे पास एक एडर बन गया जो कि फोर टर्म्स को ऐड कर सकता है। अज्यूम करें इसकी आउटपुट है यू, आप इसको यू के समझ लें,
तो फर्स्ट टर्म हमारी है यूके माइनस वन, तो मैं यहाँ पे एक डिले ब्लॉक लगाता हूँ इधर और इसको इधर कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये यूके है और जब यहाँ पे ये आएगा तो ये यूके माइनस वन बन जाएगा। ओके, अब दूसरी जो टर्म ऐड हो रही है वो ई के, और उसके साथ जो ये फैक्टर है ये ऐड हो रहा है। तो ये जो सारा का सारा फैक्टर है, मैं इसको एक गेन के साथ मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। इसको इधर, और ये जो सारी की सारी टर्म है जो यहाँ पे आती है, ये वाली 2 के t/t s + 0.5 k i t s + k p, ये सारी मैंने पहले यहाँ पे टाइप करके रखी हुई है। तो मैं यहाँ से इसको उठा के कॉपी कर लेता हूँ और इस गेन ब्लॉक के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। इस गेन ब्लॉक को रिसाइज कर लें ताकि आपको एक्सप्रेशन नज़र आए। उसके बाद जो दूसरी टर्म है, ये अब ये ई के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मैं यहाँ पर ये ई के को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब दूसरी टर्म अगर आप देखें तो ई के माइनस वन है, तो ई के माइनस वन का मतलब है कि हम एक डिले ब्लॉक लगाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इसकी अब आउटपुट ई के माइनस वन होगी। अब इसका जो कांस्टेंट फैक्टर है वो ये है, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके इधर कर लेता हूँ और इसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो मैंने ये लिखी हुई है। ये भी इम्प्लीमेंट होगी। ओके, इसके बाद थर्ड टर्म ई के माइनस टू का ये कांस्टेंट फैक्टर है, तो मैं यहाँ पर अभी जो मेरे पास आउटपुट आ रही है वो ई के माइनस वन है। इसको यहाँ से अगर मैं एक और इसकी कॉपी बना लूँ, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लूँ, इसको यहाँ से इस गेन ब्लॉक की एक और कॉपी, और इसकी जो आउटपुट आएगी वो ई के माइनस टू होगी, टू सैंपल पीरियड डिलेड। और इसका जो कांस्टेंट है वो ये लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ओके जी, तो ये अब हमारा पीआईडी जो कंट्रोलर है वो इम्प्लीमेंट हो गया इन डिस्क्रीट डोमेन। ओके जी, तो अब हमने इस अपने इक्वेशन से पीआईडी कंट्रोलर को डिस्क्रीट डोमेन में इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हमारा जो हम ये के पी के आई यू के डी की वैल्यूज यूज़ करेंगे। अब मैं इनको बाकी सब चीज़ों को कमेंट कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये सिमुलिंक ब्लॉक ये के पी के आई डी वगैरह ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैटलैब के वर्क स्पेस से उठा लेगा ये वैल्यूज़। अभी जस्ट एक वैल्यू रह गई है टी एस। टी एस हम जो सैम्पलिंग पीरियड है वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो सैम्पलिंग पीरियड चूज़ करने का जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम के पोल कहाँ कहाँ पर हैं। तो हमारे सिस्टम का एक पोल ज़ीरो पर है डीसी मोटर का, दूसरा पोल है 1.667 पे। इट में और इसमें से जो स्लोएस्ट पोल है, हम अपने सिस्टम का स्लोएस्ट पोल फाइंड करते हैं। स्लोएस्ट पोल ये है 1.667 और इसकी फ्रिक्वेंसी रेडियन में 1.667 बनती है। ये स्लोएस्ट पोल की फ्रिक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड। अब अगर आप इससे अपनी हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो आप मेगा को डिवाइड कर देंगे टू पाई पे।
इट मीन्स कि जो स्लोएस्ट पोल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है 0.2653। अगर आप इससे इसका टाइम पीरियड फाइंड करें, स्लोएस्ट पोल का टाइम पीरियड, तो वो आएगा 1/f। तो हमारे पास जो स्लोएस्ट पोल है सिस्टम का वो 3.7692। सर ये स्लोएस्ट पोल है, ये वही फास्ट पोल है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो पोल जितना डीप होता है लेफ्ट हाफ प्लेन में वो उतना फास्ट होता है उसका रिस्पांस। तो हमने अपना वो पोल फाइंड करना होता है ट्रांसफर फंक्शन से जो सबसे फास्ट हो। अब इस केस में जो जी है उसके दो पोल हैं, एक जीरो पे है ये स्लोएस्ट पोल है और एक यहाँ पे है 1.667 पे। अगर मैं इसका पीजी मैप बनाऊँ, ये देखें ये एक पोल जीरो पर है सिस्टम का, डीसी मोटर का, दूसरा यहाँ पे -1.67 पे। ये इसका स्लो पोल है, ये इसका फास्ट पोल है। तो सैम्पलिंग पीरियड फाइंड करने के लिए हम फास्ट पोल की फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। फास्ट पोल की फ्रीक्वेंसी आई 1.667, इसकी फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करें तो मेगा को आप डिवाइड करेंगे 2π पे, तो ये इतनी फ्रीक्वेंसी 0.2653 हर्ट्ज़ बन जाएगा। इस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो पीरियड बनता है वो ये बनता है 3.7692। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम में फास्ट पोल है उसका जो टाइम पीरियड है वो 3.7692 है। अब जब आपने सैम्पलिंग पीरियड चूज़ करना होता है तो आप ये जो टाइम पीरियड आया है फास्ट पोल का, इसका इसको डिवाइड करते हैं, चाहे आप इसका 10 फैक्टर ले लें, चाहे आप 50 फैक्टर ले लें, चाहे 20 फैक्टर ले लें, तो आपका जो सैम्पलिंग पीरियड है वो एटलीस्ट जो सिस्टम का फास्ट पोल है उसके टाइम पीरियड से 10 या 20 टाइम्स या 50 टाइम्स वो सैम्पलिंग पीरियड कम होना चाहिए। जितना आप सैम्पलिंग पीरियड कम रखेंगे आपका रिस्पांस उतना ही बेहतर आएगा। तो अभी अगर अज्यूम करें कि मेरे पास जो सैम्पलिंग पीरियड है फास्ट पोल का वो ये आ रहा है, अगर इसको मैं 20 से डिवाइड करके TS की वैल्यू फाइंड करूँ सैम्पलिंग पीरियड की, तो वो बनता है 0.1885। तो अगर मैं इसको फर्ज करें 100 से डिवाइड कर लूँ तो 0.037 सेकेंड बनता है। तो आप 10 से 20 टाइम्स TS की वैल्यू ले सकते हैं, सैम्पलिंग पीरियड की वैल्यू, आप जो आपका सिस्टम का फास्ट पोल आए उसका पीरियड, जो भी पीरियड आए उसको 10 या 20 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आए आप उसको इक्वल रख सकते हैं TS के। तो आप देख सकते हैं अगर इवन कि इसका मैं 100 टाइम भी लूँ तो वो बनता है 0.037 सेकेंड। तो आप TS की वैल्यू ये भी लेट कर सकते हैं, ये भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने जो सिमुलेशन में यूज़ की है वो इससे भी कम की हुई है, वो मैंने 1e-3 बेसिकली 1 मिली वैल्यू यूज़ की हुई है। TS इज इक्वल टू मैंने लिया हुआ है 1-3। तो ये अगर आप इसको देखें जो ये T वैल्यू आई है इसका, वो अगर मैं 1e-3 पर डिवाइड करूँ तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 3769 टाइम्स फास्टर मैं सैम्पलिंग पीरियड ले रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू द टाइम पीरियड ऑफ द फास्ट पोल ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का जो सबसे फास्टेस्ट पोल है उसका टाइम पीरियड इतना है। तो नॉर्मली जो रूल ऑफ थंब है जब आप सैम्पलिंग पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो आप इसको 10 या 20 इसका फैक्टर ले लेते हैं, जितना ज़्यादा लेंगे उतना आपका रिस्पॉन्स वही रिस्पॉन्स आएगा जो कि कंटिन्यूस डोमेन में आ रहा था। डिस्क्रीट डोमेन में भी उसका कोई फ़र्क रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा डेविएट नहीं करेगा। तो TS की वैल्यू मैंने जो ली है वो 1e-3 ली है। तो यहाँ पे मैं TS को भी डिफाइन कर देता हूँ। TS की जो रीजनिंग है कि कैसे सेलेक्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप जो टी टाइम पीरियड आ रहा है इस फास्ट पोल का टाइम पीरियड उसका 10th या 20th उसको डिवाइड करके ले सकते हैं, या उससे भी कम वैल्यू ले लें तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैंने TS की वैल्यू 1e-3 ले ली है। तो अब अगर मैं ये देखें, अब आपको रेड रेड नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि इसमें वो कह रहा है कि कोई चीज़ अनडिफाइंड है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूँ तो TS भी यहाँ पर वर्क स्पेस में डिफाइंड हो जाएगा, और अगर मैं अब इस सिस्टम को रन करना चाहूँ तो अब ये रन हो जाएगा।
तो ये हमारा जो तो ये हमारा रिस्पांस है। अब ये रिस्पांस आप देख सकते हैं कि ये जो येलो लाइन है ये हमारा डीसी मोटर की एक्चुअल एक्चुअल पोजीशन को शो कर रहा है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ डीसी मोटर। और ये अभी रेफरेंस पोजीशन के से बहुत ज़्यादा डेविएट कर रही है, बहुत पुअर रिस्पांस है। तो इसकी रीज़न ये है कि जब हमने टी एस सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे हमने सैम्पलिंग पीरियड वो यहाँ पर भी डिफाइन करना है। पहले वो वेरिएबल स्टेप में ऑटोमेटिक कोई सैम्पलिंग पीरियड चूज़ कर रहा है, तो अब हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो स्टेप साइज है या सैम्पलिंग पीरियड है आप इतना लें टी एस के इक्वल। तो अब अगर आप इसको सिमुलेट करें तो ये देखें अब ये हमारा रिस्पांस बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। ये येलो लाइन हमारा एक्चुअल पोजीशन है और ये ब्लू लाइन हमारी डिजायर्ड पोजीशन है डीसी मोटर की। ओके जी, तो अब ये हमारा जो ब्लॉक है इससे हमने अपना कोड जनरेट करना है। तो मैं इस ब्लॉक का सब सिस्टम का नाम लिख लेता हूँ, पीआईडी कंट्रोलर एचडीएल। ओके, अब अगर मैं अपने डिफरेंट जो सिग्नल्स हैं उनकी डाटा टाइप को शो कर दूँ, क्योंकि जब हमने कोड जनरेट करना होता है तो हमारी डाटा टाइप डबल नहीं होनी चाहिए, वो सम फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स के साथ हमने उसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये सारे जो डाटा टाइप है ये डबल आ रही है। तो अब हमने इस डाटा टाइप को फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कन्वर्जन ब्लॉक यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो कन्वर्जन ब्लॉक में आपने अब डिसाइड करना है कि आप कितनी नंबर ऑफ बिट्स के साथ अपने डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ, मैं बेसिकली फिक्स नीटी डाटा मेरा साइंड हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर आ सकते हैं। इस वजह से फर्स्ट आर्गुमेंट फिक्स नीटी का वन है, सेकंड आर्गुमेंट टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो मैं इस एरर सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करूँगा वो 32 है, और थर्ड आर्गुमेंट इस 32 में से 16 बिट्स मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करूँगा, और रिमेनिंग 16 बिट डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा रन करूँ, अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो एस फिक्स 32 का मतलब है कि ये 32 बिट साइन नंबर है, और ये इसमें से 16 बिट्स जो हैं वो पॉइंट फ्रैक्शनल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देख अभी भी रिस्पांस ठीक है, इट मींस कि ये करेक्ट वैल्यू है। ओके, दूसरा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे आपने 32 बिट यूज़ करना है, तो आप उसके लिए यहाँ पे एरर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्कोप ब्लॉक लगाएं और देखेंगे मैक्सिमम एरर कितना आ रहा है। -100 के राउंड अबाउट आ रहा है, तो आप देखें कि -100 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स आपको चाहिए, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके वर्ड लेंथ क्या होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब हम इसके अंदर जाते हैं जी। ये अब देखें, अब इस पीआईडी कंट्रोलर की जो आउटपुट है वो भी हमने फिक्स नंबर ऑफ बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करनी है। तो यहाँ पर मैं इसको फिक्स डीटी वन साइंड के लिए 64 32 यूज़ कर लेता हूँ। ओके, वर्ड लेंथ 64 यूज़ कर रहा हूँ और फ्रैक्शनल लेंथ 32 यूज़ कर रहा हूँ बिट्स। ओके करें, अब आप इसको भी वैसे ही टेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे स्कोप ब्लॉक लगाएं
देखें कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, उस मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कि आपको कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स चाहिए, तो वहाँ से आप गैस कर सकते हैं कि कैसे आपने रखना है। तो मैं अब इसके अंदर कुछ एरर आया यहाँ पे, वो एरर ये है कि ये जो डीसी मोटर का प्लांट है इसको हमेशा हमने डबल इनपुट देनी है। तो उसके लिए आप डाटा टाइप कन्वर्जन, ये सिग्नल एट्रीब्यूट यहाँ पे क्योंकि ये ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक है, ये फिक्स नंबर ऑफ बिट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, इसको जो इनपुट सिग्नल जाना है वो डबल टाइप का होना है। तो यहाँ पर इसकी मैं इसको डबल डिफाइन कर देता हूँ कि पीआईडी कंट्रोलर की ब्लॉक से एक 64 बिट का साइन नंबर आ रहा है, तो ये आगे इसके अंदर मैंने डबल ब्लॉक लगा दिया, ये उसकी इक्विवेलेंट डबल वैल्यू कैलकुलेट करेगा और ट्रांसफर फंक्शन को अप्लाई कर देगा। दोबारा रन करते हैं इसको। ओके, अब हमारा आप कह लें कि जो पीआईडी कंट्रोलर है उसके इनपुट भी सम फिक्स नंबर है, इनपुट भी रिप्रेजेंट की गई है 32 बिट साइन नंबर्स के साथ और उसकी आउटपुट को हमने 64 बिट साइन नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया। तो अब आप कह सकते हैं कि हमारा जो पीआईडी कंट्रोलर है वो रेडी है इससे कोड जनरेट करने के लिए। जब भी आपने कोड जनरेट करना है और जिस ब्लॉक का कोड जनरेट करना है, आपने मेक श्योर करना है कि उसकी जो इनपुट है उस पर भी सम फिक्स नंबर ऑफ बिट का डाटा आ रहा हो और उसकी आउटपुट पर भी सम फिक्स नंबर ऑफ आउटपुट का डाटा जा रहा हो, उसकी कैटेगरी वर्ड लेंथ और फ्रैक्शनल लेंथ प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए और उसमें डबल ना इनपुट साइड पर आना चाहिए डबल कैटेगरी डाटा टाइप, ना आउटपुट पर आना चाहिए। ओके जी, तो अब ये हमारा पीआईडी कंट्रोलर ये रेडी है, इससे हम कोड जनरेट कर सकते हैं। कोड जनरेट करने से पहले हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं कि हमने वेरीलॉग में कोड जनरेट करना है या वीएचडीएल में करना है। यहाँ पे मैं वेरीलॉग कर लेता हूँ और रिपोर्ट ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फाइनली मैं अपनी HDL सेटअप टोटल 7 यहाँ पे मैं वेरिएबल स्टेप यूज़ कर रहा हूँ और उसका मैक्सिमम स्टेप साइज TS रख रहा हूँ। ओके जी, तो अब हमारी सारी सेटिंग्स भी होगी कोड जनरेट करने के लिए। हम दोबारा एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं अपने पूरे मॉडल को। तो अभी तक ये मॉडल हमारा करेक्ट है, तो अब हम चेक करते हैं क्या जो हमारा STL ट्यूटोरियल 7 और जो ये ब्लॉक है PID कंट्रोलर STL, क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो ये एक वार्निंग आई है, वार्निंग को हम इग्नोर कर सकते हैं, 1 warning 0 errors। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Make HDL, तो हमारा कोड जनरेट हो चुका है, ये हमारा PID कंट्रोलर का कोड है विद सिलेक्टेड वैल्यूज ऑफ द गेन्स एंड TS। इन के पी के आई के डी और TS की इन वैल्यूज के लिए ये कोड जनरेट हुआ है, सॉरी इन वैल्यूज के लिए। मैं दोबारा ये
इसको रन कर देता हूँ इस स्क्रिप्ट फाइल को, यम फाइल को, टू मेक श्योर कि यही वैल्यूज़ वर्कस्पेस में हैं, बेस वर्कस्पेस में, और यहाँ से ये कोड जनरेशन में यही वैल्यूज़ यूज़ हों। तो मैं कोड को दोबारा जनरेट कर लेता हूँ। ओके, तो अब हमारा ये मॉडल जनरेट हो चुका है। ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये हर कंपोनेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, अब हमने इस कोड को, इस पीआईडी कंट्रोलर को एफपीजीए बोर्ड पर अपलोड करना है, तो उसके लिए हम FIL विजर्ड FPGA इन द लूप विजर्ड को ओपन करेंगे। ये मेरा बोर्ड पहले से सिलेक्टेड है, मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ से जो फाइल जनरेट हमने की है पीआईडी कंट्रोलर की, उसको सिलेक्ट करूँगा, यही हमारी टॉप लेवल फाइल है। नेक्स्ट, उसके बाद ये जो हमारी कोड की इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, क्लॉक रीसेट, क्लॉक इनेबल, ये तो डिफ़ॉल्ट इनपुट्स हैं। सी आउट डिफ़ॉल्ट आउटपुट है। ई के जो एरर सिग्नल है वो हमारा इनपुट है, बेसिकली पीआईडी कंट्रोलर का फीडबैक एरर उसको इनपुट पे जाएगी और उसकी आउटपुट पे यू या कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा। यहाँ पे हमारी जो आउटपुट यू है वो साइन नंबर है 64 बिट की। यहाँ पे देखें, साइन नंबर 64 बिट और 32 बिट फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे आपने लिखना है 32। ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है यू, उसकी बिट विड्थ है 64, वो साइंड है, और फ्रैक्शन लेंथ है 32। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एरर है, तो एरर आपने यहाँ पे करेक्ट करना है। मैंने जो Xilinx Vivado का सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है उसका पाथ देना है आपने, वो है 2018.2। तो यहाँ पे आपने 8 लिखना है और यहाँ पे आपने 2 लिखना है। तो अब जो Xilinx है, Xilinx Vivado सॉफ्टवेयर, वो मेडलैब के साथ कन्फिगर हो गया। अब मेडलैब इस कोड को यूज़ करेगा, Xilinx Vivado को यूज़ करेगा टू बिल्ड द बिट स्ट्रीम फाइल, और इस सारे प्रोसीजर के अंदर 5-7 मिनट लग सकते हैं। अब बेसिकली जो हमने कोड जनरेट किया है पीआईडी कंट्रोलर का, मैटलैब उस कोड को पहले एरर्स चेक कर रहा है Xilinx Vivado के थ्रू, और फिर उस कोड से सर्किट सिंथेसाइज कर रहा है, और फाइनली फिर उससे बिट स्ट्रीम फाइल जनरेट करेगा। तो अब बेसिकली हमारा जो यहाँ से कोड जनरेट होगा, उस कोड को हम FPGA बोर्ड पर अपलोड करेंगे, तो ये हमारा मॉडल रन हो रहा होगा। हमारा जो प्लांट है सिमुलिंक के अंदर रन हो रहा होगा, डीसी मोटर मॉडल, और जो हमारा पीआईडी कंट्रोलर है वो हार्डवेयर लेवल पे रन हो रहा होगा। इस FPGA बोर्ड की जो इनपुट है वो फीडबैक एरर होगी, जो एरर सिग्नल है वो हम FPGA बोर्ड को इनपुट पर अप्लाई करेंगे। PID कंट्रोलर FPGA बोर्ड के अंदर रन हो रहा होगा रियल टाइम में, वो आउटपुट कैलकुलेट करेगा, वो आउटपुट दोबारा हम सिमुलिंक के अंदर कैप्चर करेंगे और उसी आउटपुट को DC मोटर के ऊपर अप्लाई कर देंगे, और इस तरह ये क्लोज लूप मॉडल कंटिन्यूसली रन होता रहेगा। आप सेम स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी
जो कंट्रोलर है उसको FPGA बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आपने अपने उस कंट्रोलर को की डिफरेंस इक्वेशन बनानी, और अगर वो कंटिन्यूस डोमेन में है या टाइम डोमेन, कंटिन्यूस टाइम डोमेन में है तो उसको डिफरेंस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करें और उसको इम्प्लीमेंट कर दें। और आपका प्लांट कोई भी हो सकता है। इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने जो प्लांट लिया है वो DC मोटर है, वो क्वाड कॉपर हो सकता है, वो कोई टैंक हो सकता है, कोई वाटर लेवल कुछ हो सकता है। तो प्लांट का मॉडल कोई भी हो सकता है। आप कंट्रोलर पहले उसका मैटलैब सिमुलिंक में डिज़ाइन करें, उसकी सिमुलेशन करें, फिर कंट्रोलर को डिस्किटाइज करें और डिस्किटाइज करके उसको FPGA बोर्ड पर अपलोड कर दें। अभी जो हमारा हमने PID कंट्रोलर डिज़ाइन किया है, अब वो सेंथिसाइज हो रहा है Xilinx Vivado सॉफ्टवेयर के थ्रू, और अभी कुछ देर में उसकी बिट स्ट्रीम फाइल जनरेट हो जाएगी। और ये नोट रखें कि अभी तक मैंने अपना FPGA बोर्ड अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं किया। जब बिट स्ट्रीम फाइल जनरेट हो जाएगी तब मैं अपना FPGA बोर्ड अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करूँगा। वेटिंग फॉर सिंथेसिस 1 टू फिनिश। अभी तक सिंथेसिस हो रही है सर्किट के। तो मैं अभी तक कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो कर सकें। अभी तक सिंथेसिस हो रही है। एक सिमुलिंक फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, इसको अभी देखते हैं। रनिंग प्रोग्रामिंग फाइल जनरेशन आउटसाइड मैटलैब, चेक एक्सटर्नल शेल फॉर प्रोग्रामिंग फाइल जनरेशन प्रोसेस। बिट स्ट्रीम फाइल अभी जनरेट हो गई है, सर्किट सिंथेसाइज हो गया, PID कंट्रोलर का सर्किट सिंथेसाइज हो गया, अब उसकी बिट स्ट्रीम फाइल जनरेट हो रही है।
अभी बिट स्ट्रीम फाइल जनरेट हो रही है। क्रिएटिंग बिट स्ट्रीम, ओके जी, प्रोग्रामिंग फाइल जनरेटेड, एफपीजीए इन द लूप बिल्ड कंप्लीटेड, यू मे क्लोज दिस शेल। जब ये मैसेज आ जाए इट मीन के बिट स्ट्रीम फाइल ये डॉट बिट जनरेट हो चुकी है, अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इसी प्रोसेस के दरमियान ये एक ऑटोमेटिकली सिमलिंक फाइल ओपन होगी। अब इसके अंदर ये एक ब्लॉक आएगा ऑटोमेटिकली, ये पीआईडी कंट्रोलर एचडीएल का ब्लॉक है, इसको आप अपने ओरिजिनल मॉडल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ओरिजिनल मॉडल को मैं कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसको रिप्लेस कर देता हूँ इस ब्लॉक के साथ। अब ये जो ब्लॉक है ये एक्चुअल जो हार्डवेयर का एफपीजीए बोर्ड है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ओके जी, तो मैंने क्या किया है, ये मेरा सिमुलेशन वाला मॉडल है, ये आप देख सकते हैं, और ये पीआईडी कंट्रोलर को मैंने एफपीजीए बोर्ड पर अपलोड एफपीजीए बोर्ड पर इम्प्लीमेंट किया, ये उसका ब्लॉक है। अब जो मेरा एक्चुअल हार्डवेयर का एफपीजीए बोर्ड है वो ये ब्लॉक उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं एफपीजीए, और आप देख सकते हैं कि जो इसकी इनपुट है ये डॉट बिट फाइल है। अब अगर मैं सिमुलेशन मॉडल को रन करूंगा तो ये मेरा सिमुलिंक वाला मॉडल भी रन होगा और एक्चुअल मेरा जो एफपीजीए बोर्ड पर पीआईडी कंट्रोलर है वो भी रन होगा। दोनों एट द सेम टाइम, दोनों को सेम इनपुट ये जा रही है, पल्स जनरेटर रेफरेंस पोजीशन दोनों को सेम जा रही है। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों से जो आउटपुट है वो कैसे आउटपुट आती है। मैं इसको लिख देता हूँ एक्चुअल पोजीशन एफपीजीए, कि जो एफपीजीए से एक्चुअल पोजीशन आ रही है और ये जो एक्चुअल पोजीशन आ रही है सिमुलिंक से, और इस ब्लॉक को भी जो आउटपुट आ रही है इसको भी मैं इधर कनेक्ट कर देता हूँ। ओके जी, तो अब अगर मैं सिमुलेशन मॉडल को रन करूँगा ये पल्स जनरेटर इसको भी सिग्नल प्रोवाइड करेगा सिमुलिंक वाले मॉडल को भी और एफपीजीए को भी ये इनपुट देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वही प्लांट है, सेम प्लांट सेम ट्रांसफ़र फंक्शन, यहाँ से इसका फीडबैक एरर जनरेट होगा, ये एरर आगे कन्वर्ट होगा और एफपीजीए ब्लॉक को अप्लाई हो जाएगा। ओके जी, तो अब अभी हम इसको रन करके देखते हैं। इससे पहले कि मैं इसको रन करूँ, सबसे पहले अभी मैंने अभी तक अपना एफपीजीए बोर्ड कनेक्ट नहीं किया, तो मैं इसको कनेक्ट करके देखता हूँ करके। ओके, तो इसकी पोर्ट कनेक्टेड नहीं है, पहले वो कह रहा है कि पोर्ट को कनेक्ट करें, तो मैं यहाँ पर इसको ब्लॉक लगा देता हूँ।
12 रन करते हैं। ओके, एरर फाउंड ऑन पोर्ट 0 ईके, सैंपल टाइम इज़ नॉट स्पोक, कॉन्टीन्यूस सैंपल टाइम इज़ नॉट स्पोटेड। तो इसमें हो ये रहा है कि ये हमारा कॉन्टीन्यूस प्लांट ट्रांसफर फंक्शन है, ये कॉन्टीन्यूस डोमेन में है और ये डिस्क्रीट डोमेन में है। तो इसकी जो इनपुट है कॉन्टीन्यूस वगैरह है कि इसको स्पोर्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम रेट ट्रांजिशन ब्लॉक जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। अगर आप दो डिफरेंट डोमेन्स के सब सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो आप अगर उनका सैम्पलिंग रेट डिफरेंट है तो उनके दरमियान में आप ये रेट ट्रांजिशन ब्लॉक यूज़ करके इसका जो सैम्पलिंग रेट है मैं TS रख रहा हूँ, उन दोनों ब्लॉक्स जिनका सैम्पलिंग रेट डिफरेंट है उनको आप एक दूसरे के साथ कन्फिगर कर सकते हैं। ओके जी, अब तो मैंने ये रेट ट्रांजिशन ब्लॉक भी यहाँ पर लगा दिया। अब अगर मैं इसको रन करूं, अब वो कह रहा है कि आपका जो जे टैग है वो अभी, इट मींस कि आपका FPGA बोर्ड अभी कनेक्टेड नहीं है। तो अब मैं FPGA बोर्ड को कनेक्ट करने लगा। तो ये साउंड सिग्नल आपको आया होगा, ये FPGA बोर्ड की कनेक्शन का है। ओके, अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये फाइल लोड करता हूँ FPGA बोर्ड के अंदर, जो .bit फाइल हमने जनरेट की है PID कंट्रोलर की। अब वेरीलॉग कोड PID कंट्रोलर का, उसकी बिट स्ट्रीम फाइल FPGA बोर्ड के अंदर लोड हो रही है। ओके, FPGA प्रोग्रामिंग फाइल लोडेड सक्सेसफुली। तो हमारा जो, अब आप कह सकते हैं कि PID कंट्रोलर FPGA के अंदर लोड हो चुका है और इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा इस सिमुलेशन को, तो यहाँ से जो भी एरर सिग्नल जनरेट होगा वो PID कंट्रोलर को जाएगा, तो एक्चुअल ये एरर सिग्नल एक्चुअल FPGA बोर्ड पे जा रहा है और ये उसकी आउटपुट यू एक्चुअल उसकी बोर्ड से आ रही है, और ये हम जो FPGA बोर्ड की जो आउटपुट है जो कि कंट्रोल सिग्नल है उसको हम अब इस प्लांट पर या DC मोटर पर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो यू के ऊपर आउटपुट आ रही है ये FPGA बोर्ड से आ रही है रियल टाइम में और ये इस प्लांट को ड्राइव कर रही है, और यहाँ पर जो आउटपुट यू आ रही है वो सिमुलिंक मॉडल से आ रही है और इसको ड्राइव कर रही है। अब हम देखना चाह रहे हैं क्योंकि प्लांट हमारा सेम है, एक का कंट्रोलर सिमुलिंक के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, दूसरे का कंट्रोलर हमारा FPGA बोर्ड पर रियल टाइम पे इम्प्लीमेंटेड है, और दोनों मॉडल्स को हमने सेम इनपुट दी हुई है। तो हम इनको रन करके देखते हैं और कंपेरिजन करते हैं के दोनों के रिस्पांस में क्या डिफरेंस है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये रिस्पांस हमारा जनरेट हो रहा है, ये जो एक्चुअल पोजीशन FPGA ये ब्राउन कलर का जो सिग्नल है ये FPGA बोर्ड से आ रहा है। ये जो ब्राउन कलर का सिग्नल है ये FPGA बोर्ड से आ रहा है, ये ब्लू कलर का सिग्नल ये हमारा रेफरेंस सिग्नल है जिसको हम ट्रैक करना चाह रहे हैं, और ये येलो कलर का सिग्नल ये सिमुलिंक मॉडल से में जो PID कंट्रोलर इम्प्लीमेंटेड है उससे आउटपुट आ रही है। इसको अब मैं क्लोज कर देता हूँ। तो येलो वाला इसको एक्चुअल पोजिशन सिमुलिंक, ये प्योरली सिमुलेशन में रन हो रहा है, और ये जो एक्चुअल पोजिशन FPGA ये हार्डवेयर लेवल पर कंट्रोलर इम्प्लीमेंटेड है और उससे जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो प्लांट को ड्राइव कर रही है, उससे फीडबैक एरर जो जनरेट हो रहा है वो कंट्रोलर के इनपुट पे जा रहा है FPGA बोर्ड में जा रहा है। और ये जो एक्चुअल पोजीशन FPGA, ये FPGA से एक्चुअल जो सिग्नल आ रहा है FPGA के अंदर जो PID कंट्रोलर इम्प्लीमेंटेड है वो इस प्लांट को या इस DC मोटर को ड्राइव कर रहा है, तो उससे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो ये है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप दोनों का येलो ग्राफ का या लाइन का ब्राउन के साथ कंपैरिजन करें, तो इवन के जो ब्राउन ग्राफ है वो रेफरेंस पोजीशन के ज़्यादा करीब है। आप कह सकते हैं कि इस केस में जो हमारा एक्चुअल पोजीशन या सिमुलिंक के अंदर मॉडल है, जो हमारा एक्चुअल
पोजीशन एफपीजीए पे जो मॉडल रन हो रहा है पीआईडी कंट्रोलर का, उससे जो रिस्पांस जनरेट हो रहा है वो सिमुलिंक वाले मॉडल से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका परसेंटेज ओवरशूट थोड़ा सा कम है अगर आप इसको जूम देख करना चाहें। यहाँ से अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये देख सकते हैं आप कि जो एफपीजीए वाला हमारे पास रिस्पांस कर्व है उसकी पीक कम है, इट मीन्स कि उसका परसेंटेज ओवरशूट कम है। ये 100 नॉर्मल वैल्यू है, ये तकरीबन 107 तक जा रही है, तो ये तकरीबन 7% ओवरशूट है इसका, और ये जा रहा है 107.5। तो ये इसका जो येलो लाइन है जो सिमुलिंक वाला मॉडल है उससे जो ओवरशूट आ रहा है 7.5% आ रहा है। बाकी अगर आप सेटलिंग टाइम देखें तो येलो लाइन जो है वो थोड़ा सा बाद में सेट हो रही है, 1-2 सेकंड का गैप है, और ब्राउन लाइन पहले सेट हो रही है, स्टेडी स्टेट वैल्यू वो पहले अप्रोच कर रही है। और दूसरा एक और भी डिफरेंस आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि येलो लाइन है जब वो नीचे आती है तो ब्लू लाइन से नीचे चली जाती है, तो उसमें अंडर शूट भी मौजूद है, और जो एक्चुअल पोजिशन जो एफपीजी बोर्ड पर कंट्रोलर इम्प्लीमेंटेड है उससे उसमें अंडर शूट मौजूद नहीं है, वो 7% का ओवर शूट है। जैसे ही नीचे आता है वो अपने रेफरेंस सिग्नल को मैच कर जाता है। तो आप इन दोनों का कंपैरिजन करें, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा एफपीजीए बोर्ड पर पीआईडी कंट्रोलर इम्प्लीमेंटेड है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू सिमुलिंक मॉडल। तो अब ये आप कह सकते हैं कि ये अब हालांकि होना क्या चाहिए था कि सिमुलिंक वाला थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता, एफपीजीए वाला थोड़ा सा पुअर परफॉर्म करता, लेकिन क्योंकि हमने उसमें क्वांटाइजेशन की है एरर सिग्नल की और कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट किया विद सम फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो हमारा सिग्नल ट्रंकेट हुए तो उससे रिस्पॉन्स थोड़ा हमारा इम्प्रूव हो गया। ये लकीली इस तरह हुआ है। नॉर्मली ये होता है कि जो सिमुलिंक वाला मॉडल होता है या सिमुलेशन वाला मॉडल वो उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है और जो एक्चुअल हार्डवेयर से जो रिज़ल्ट आ रहा होता है वो थोड़ा सा उससे पुअर होता है, लेकिन हमारे केस में उलट आ रहा है कि सिमुलिंक वाला मॉडल एज़ कम्पेयर टू एफपीजी वाला जो पीआईडी कंट्रोलर है उससे पुअर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसका परसेंटेज ओवरशूट ज़्यादा है, उसका सेटलिंग टाइम ज़्यादा है और उसमें अंडरशूट मौजूद है, जबकि एफपीजीए वाले में ओवरशूट कम है, सेटलिंग टाइम कम है, और दूसरा उसमें अंडरशूट भी मौजूद नहीं है, और स्टेडी स्टेट एरर दोनों का ज़ीरो है। इसको एक दफ़ा फिर रन करके देख लेते हैं। इवन के अगर आप यहाँ पे अपना रेफरेंस इनपुट चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ, अब ये हार्डवेयर इन द लूप सिमुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ये ब्राउन कलर का जो ग्राफ है ये एक्चुअल जो एफपीजीए बोर्ड पर पीआईडी कंट्रोलर इम्प्लीमेंटेड है उसकी जो कंट्रोल सिग्नल है वो प्लांट को ड्राइव कर रहा है, और जो प्लांट की आउटपुट है वो ये ब्राउन सिग्नल है। तो अभी भी हमारे पास वही रिज़ल्ट आया कि ओवरशूट कम है ब्राउन लाइन के अंदर, येलो लाइन के अंदर जो सिमुलिंक का मॉडल है उसमें ओवरशूट थोड़ा सा ज़्यादा है, सेटलिंग टाइम भी कम है ब्राउन लाइन का जो एफपीजीए वाली हार्डवेयर इन द लूप है वाला रिज़ल्ट है, और अंडरशूट भी मौजूद है येलो लाइन के अंदर जबकि ब्राउन लाइन के अंदर अंडरशूट भी मौजूद नहीं है। ओके जी, तो ये था हमारा एफपीजीए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एफपीजीए इन हार्डवेयर इन द लूप इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारा टाइटल था आज का पीआईडी कंट्रोलर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑन एफपीजीए बोर्ड यूजिंग एचडीएल कोडर या हार्डवेयर इन द लूप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीसी मोटर पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। तो ये हमने इसके अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। तो आप इसी तरह अपने किसी भी कंट्रोलर को हार्डवेयर इन द लूप इम्प्लीमेंटेशन या एफपीजीए पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होपफुली आपको इसमें कुछ न्यू सीखने को मिला होगा जिससे आपको बेनिफिट होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।